ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया ए टू ई अकेडमी जो आपको आयल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, टीचर वन टू वन आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन डाउट्स कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू। सत श्री अकाल जी, मैं हीना ब्रॉडवे इमीग्रेशन सर्विसेज तो। जिस तरह कि तुहानू पता है कि इस चैनल के थ्रू टूरिस्ट वीज़ा के नाल रिलेटेड जिन्हें भी इनफॉर्मेशनस रहिंदियां हन असीं तुहाडे नाल शेयर करते रहने हैं। सो अज का मेरा टॉपिक रहेगा आस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा के नाल रिलेटेड। सो मैं कुछ इस वीडियो के थ्रू तुहानू टिप्स देवांगी जिदे नाल तुसीं अपनी प्रोफाइल नू स्ट्रोंग कर सकते हो या जिदे नाल तुहाडी प्रोफाइल होर वधिया हो सकती है। सो सब तो पहला जो मेरा टिप्स रहेगा उहदे विच है सब तो पहला पंजाबी का शब्द सबर। तुसी जो भी अपनी फाइल अप्लाई करनी है सबर नाल करनी है ताकि तुसी कभी भी अपने फाइलिंग ऑफिसर नू काली नहीं पानी कि फटाफट मैं डॉक्यूमेंट दे दिते हैं, तुसी मेरी फाइल लॉन्च करो, फटाफट लगा दो, मेरे वालों तो पूरी फाइल कंप्लीट है, तुसी टाइम लगा रहे हो, तुसी क्यों टाइम लगा रहे हो, मैनू दो दिन च फाइल लगा के दो, मैनू पाँच दिन च फाइल लगा के दो, इदां दीआं चीज़ां तुसी नहीं यूज़ करनियां या इदां दीआं चीज़ां तुसी नहीं कहनियां। क्योंकि एक फाइलिंग ऑफिसर का एक्सपीरियंस हुंदा है, एक काउंसलर का एक्सपीरियंस हुंदा, उन्होंने बहुत सारे केस कड्ढे हुंदे है। सो सब तो पहले एक केस नू देखिया जाता है कि एदा इस टाइम ते की सिनेरियो है, अगर कि इस नू वीज़ा मिल सकता है, नहीं मिल सकता तो एदे विच की ऐसे डॉक्यूमेंट लगाइए या किस तरीके नाल उस कमी नू फिल करिए कि तुहानू वीज़ा मिल जाए। सो फाइलिंग ऑफिसर को अगर टाइम ही नहीं है सब सोचन दा ते वो तुहाडी फाइल ते वर्कआउट किदां करेगा। अगर तुसी कहोगे मेरी फाइल जल्दी लगा दो तो वो भी जल्दी लगाएगा, वो भी तुहाडा एप्लीकेशन फॉर्म फैमिली फॉर्म या रेस्ट ऑफ दी जो भी चैकलिस्ट दे विच डॉक्यूमेंटेशन लगनियां हन उस अकॉर्डिंग ही मी अकाउंट तुहाडी फाइल लॉन्च कर देगा। सो इस करके तुसी कभी भी अपने फाइलिंग ऑफिसर नू इस चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी, तुसी उन्हां नू प्रॉपर टाइम दो कि कोई गल नहीं तुसी देखो अगर मेरी फाइल च कोई कमी है, मेरे फाइल च कोई डॉक्यूमेंट लगना है, मैं रेडी करदा वां, चाहे उस डॉक्यूमेंट नू रेडी कर दे 30 दिन लगन, 15 दिन लगन, 7 दिन लगन, 2 महीने लगन, पर वो डॉक्यूमेंट तो बिना तुसी फाइल अपलोड ना करो अगर तुहाडे उस डॉक्यूमेंट करके रिफ्यूजल आ सकती है। सो ऐसे लई पेशेंस दे नाल तुसी अपनी फाइल का काम करवाना है। सैकेंड जरा रहेगा स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के विच आ जाता है कि तुहाडी प्रोफाइल नू स्ट्रोंग करन दे लई ये सारे डॉक्यूमेंटेशन लगाए जाते हैं, लाइक ITR हो गया, तुहाडा पिछे कोई प्रॉपर्टी है, तुहाडी फैमिली टाइज है, तुहाडा बिजनेस है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जरूर ऐड करो क्योंकि जिन्ने ज़्यादा स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे तुहाडी प्रोफाइल उन्नी ही ज़्यादा स्ट्रोंग होएगी। किसी भी डॉक्यूमेंट नू जिहड़ा तुसी लगाना है उहदे नाल उहदी एक्सप्लेनेशन जरूर लिखो, उहदे पेपर जरूर लगाओ ताकि तुहाडी फाइल दे विच 1% का भी कोई डाउट ना आए। क्योंकि अगर उस चीज़ दे विच डॉक्यूमेंट दे विच इशू आएगा तुहाडी फाइल च इशू आएगा तो अंबेसडर नू वीज़ा देन च प्रॉब्लम होएगी। सो इस करके स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट मेन हरेक कंट्री दे विच, नॉट इन आस्ट्रेलिया ओनली, हरेक कंट्री दे विच तुसी ये चीज़ देखना कि स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रॉपरली लगे होने चाहिए ने तुहाडे। इस करके स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट का बहुत वड्डा रोल है। दूसरा आता वड्डा कवरिंग लैटर, बहुत लोग लिख देते हैं कि लेंथी कर देते हैं, असं लिखते हैं कि साडा उत्थे कोई रैलेटिव है, असं फैमिली घूमन जाना चाहते हैं, साडे कोल इन्ना बैंक बैलेंस है, ये है, असं उत्थे जावांगे, असं इदां करांगे, इन्नियां चीज़ां लिखण की लोड़ नहीं है। अंबेसडर को अगे बैकलॉग बहुत है, वीज़ा देन दे लई फाइल्स बहुत है। अगर तुसी सारियां चीज़ां देखो, एक तुसी डॉक्यूमेंट भी लगा रहे हो और उस डॉक्यूमेंट बारे कवरिंग च भी लिख रहे हो, इस चीज़ का की सेंस है। सो इस करके जिहड़े डॉक्यूमेंटेशन लगाए उहदी चाहे थोड़ी जी एक्सप्लेनेशन दो, ज़्यादा लंबा कवरिंग लैटर लिखण दा ते कोई बेनीफिट ही नहीं है। छोटा कवरिंग लैटर लिखोगे, थोड़ा वैल्यूएबल लिखोगे ताकि अंबेसडर जो है वो पढ़े भी, वो देखे भी, अगर पढ़ेगा ता ही उन्हें पता लगेगा कि तुसी जेन्युइन हो, और उन्हें अगर लेंथी लगेगा वो भी सोचेगा मैं किन्ना क पढ़ लूँगा, ठीक है। अगर वो नहीं पढ़ेगा क्योंकि उत्थे बैठा बैठा फाइल चैक कर रहा, सानूं नहीं उहदी सिचुएशन नहीं पता कि उहदे कोल किन्नियां फाइलां दिन च चैक करन दे लई। सो इस करके सब तो पहला कवरिंग लैटर नूं भी तुसी छोटा लिखवाना शुरू करो ताकि अंबेसडर तुहाडा कवरिंग लैटर पढ़े अते पढ़ के उहदे उत्ते रिजल्ट दे। जे वो पढ़ेगा ता ही वो तुहानूं वीज़ा देगा। कई वारी असीं वधिया प्रोफाइलां ते वी रिफ्यूजल देखदे हां, इही सारियां छोटियां छोटियां गलतियां हुंदियां ने। उस तो बाद जदों वी असीं किसी कंट्री च जा रहे हां, जिदा 1% मैं किसी कंट्री दे विच जा रही हां पहली बारी जा रही हूँ, मैनू नहीं पता उत्थे केड़ी सिटी किद्दां दी है, मैं उहदे बारे सर्च आउट करांगी,
सर्च आउट करने तो बाद मैं देखांगी उत्थे घूमण वाली जगावां केड़ियां। 1% मैं किसी कैनेडा दे विच किसी सिटी का नाम देख दिता कि मैं सॉल्ट सेंट मैरी दे विच जाना है। अगर मैनू उत्थे कोई जगह ही नहीं देखने मिल रही, कोई टूरिस्ट प्लेस ही नहीं है, तो मैं उत्थे जाके की करांगी। असी लिख रहे हैं, असी बना रहे हैं अपना प्लैन, उहदे विच सिटीज़ मैनशन कर रहे हैं, लेकिन वो टूरिस्ट प्लेस ही नहीं है। कैनेडा दे विच लोकी नाइग्रा फॉल देखने जाते हैं। इस तो इलावा 2-3 होर टूरिस्ट दे प्लेस ऐड करो कि हाँ भाई मैं पहली बार जाना है, मैं ये जगह पर विजिट करांगा, अपना टूरिस्ट सारा देखांगा। तो ये सब चीज़ा अगर तुसी लगाओगे, अपना पूरा प्लान दसोगे कि मैं इन्ने दिन लई जा रहा वहाँ, पहले दिन मैं इत्थे विजिट करांगा, शायद मैं उत्थे 2 दिन लग जान, फिर तीसरे दिन मैं इत्थे विजिट करांगा, फिर उस तो बाद चौथे दिन मैं इत्थे विजिट करांगा, मैं अपनी फैमिली दे नाल जा रहा वहाँ, मेरे कोल इन्ना एक्सपेंस है, ये सारिया चीज़ा तुहाडियां हैल्प ही करनगियां। सो ये सब तुसी बिल्कुल सही तरीके नाल अपना प्लान बना के लगाओ। इस तो बाद आ जाता है कि फाइल नू लाना प्रायोरिटी सर्विस से। बेसिकली देखिया जाए तो 1,000 लोग वध खर्च देंदे ने, शायद साडा रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। सो इंडिया च रह रहे हो तुसी, तुहानू इन्नी जल्दी कादी है उत्थे जाण दी? तुसी टूरिस्ट लई जाना, तुसी कदी भी जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुसी बहुत जल्दबाजी करनी है उस चीज़ दे लई कि नहीं सानू रिजल्ट जल्दी चाहिए। क्यों जल्दी चाहिए? इस चीज़ के उत्ते की रहिंदा है, लोग सोचते हैं कि सानू वीज़ा जल्दी मिल जाएगा, बल्कि उल्टा हो जाता है कि अंबेसडर भी सोचता है कि तुहानू इन्नी जल्दबाजी किस चीज़ की है, क्यों तुहानू इन्नी जल्दी रिजल्ट चाहिए? कि तुसी कोई डॉक्यूमेंट गलत लगाया है, या फिर इंडिया च रह के जिते तुहाडी इनकम ही घट है, तुसी अपने वादू दे एक्सपेंसिस क्यों खर्च रहे हो प्रायोरिटी सर्विस दे लई? किस चीज़ दे करके तुहानू जल्दबाजी होई पई है? सो ये सारिया चीज़ा लगाम दी बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो ये सारे टिप्स ने जिदी वजह नाल तुसी अपनी फाइल नू प्रॉपर परफेक्ट बना सकते हो। फिर भी तुहानू लगता है कि कोई चीज़ रह गई है या तुसी कोई चीज़ पूछना चाहते हो, तुसी साडे हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करो 76965 76965। ब्रांचा हैं उन्होंने तुसी विजिट कर सकते हो, जो साडा हेल्पलाइन नंबर है 76965 76965, वो कॉल कर सकते हो। बाकी चैनल नू लाइक सबसक्राइब करो ताकि आने वाली जिन्या भी वीडियोज़ हैं तुहाडे तक पहुँच सकन। थैंक यू सो मच। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से, ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E एकेडमी, जो आपको आइल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कन्फ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू।